एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या बता रहा है? इट इज सेड दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड तो ऊपर में आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, बी से लिख दो, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज सर्किट इज, ये आपका म्यू नॉट टाइम्स है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट पासिंग थ्रू दिस क्लोज सर्किट। तो कहने का मतलब ये हो गया कि बी डॉट डी एल, अगर यहां पे मैं लिख रहा हूं बी और डॉट डी एल दोनों ही वेक्टर हैं, इस दोनों वेक्टर का लाइन इंटीग्रल मतलब इस दोनों का इंटीग्रेशन जो क्लोज लूप है, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हो क्लोज सर्किट है, तो इसलिए इसका क्लोज के लिए इस तरह का एक सिंबल दे दिया, क्लोज इंटीग्रल जो है क्लोज लूप का, दिस इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट, अगर टोटल करंट उस सर्किट से होकर आई पास हो रही है तो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट, ये हो जाता है। तो अब आपको इसको यहाँ पे प्रूव भी करना है, ये तो चलो एक फॉर्मूला हो गया और ऊपर में आप जो देख रहे हो ये डेफिनेशन हो गई, लेकिन प्रूफ करना है तो प्रूफ कैसे करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले एक करंट कैरिंग वायर ले लो आप, ये आपका एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, यहाँ पे ये आपका एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर ले लिया, और ऑब्वियस ही बात है इसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड होगी इसके सराउंडिंग्स में। यहाँ पे सबसे पहले आप ये दिखा दो इसमें करंट जो जा रहा है वो करंट कितना जा रहा है, आई करंट जा रहा है इस वायर से होते हुए, ये एलिमेंट्री पोर्शन, अगर आप यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन आप यहाँ पे कंसिडर करते हो जो हमेशा मैं कंसिडर करता हूँ ये डीएल, तो डीएल के केस में यहाँ पे जो इसके परपेंडिकुलर अगर आप यहाँ पे एक टेंजेंट डालोगे यहाँ पे, तो टेंजेंट देखो आपका इस डायरेक्शन में होगा, ये टेंजेंट हो गई, और डीएल भी आपका इसी डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में टेंजेंट है उसी डायरेक्शन में आपकी डीएल भी होगी, तो डीएल भी आपका इसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में आप टेंजेंट ले रहे हो, तो ये इसी डायरेक्शन में डीएल और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड मतलब आप यहाँ पे बी लिख सकते हो, बी आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में, जबकि करंट आप देख ही रहे हो करंट ऊपर की तरफ इस वायर से होता हुआ जा रहा है, तो इसके सराउंडिंग्स में जो ये बन रही है ना, ये जो वायर्स एरो से मैं दिखा रहा हूँ ये इसकी सराउंडिंग्स में मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि अगर आप राइट हैंड थंब रूल को देखोगे तो राइट हैंड थंब रूल में थंब आपका इस डायरेक्शन में होगा और रेस्ट जो फोर फिंगर होता है वो फोर फिंगर आपका इस डायरेक्शन में होगा जो कि इस तरह से घूमता हुआ आपको दिखेगा, तो ये आपको रेस्ट फोर फिंगर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगा, तो जिसकी डायरेक्शन इस तरह से आपकी जो व्हाइट वाली स्ट्रिप है ये व्हाइट वाली स्ट्रिप पे इस तरह से आपको देखेगी देखने को मिलेगी, ठीक है, तो इस तरह से करंट और मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ पे आराम से समझ सकते हैं। अब बात रह जाती है कि ठीक है आपको यहाँ पे प्रूफ करना है, तो प्रूफ कैसे किया जाए वो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप जो फॉर्मूला लेते हो ना, आपने स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए जो फॉर्मूला लिया था अगर आपको याद होगा अच्छे से, स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, ठीक है, आपने निकाला था वहां पे, और वो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ आप देखो यहाँ पे, आप बताना कि यही है, ये इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर के लिए बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में टू पाई आर, ठीक है, ये था मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए करंट कैरिंग वायर, इसके लिए ये फॉर्मूला था, स्ट्रेट वायर के लिए ये फॉर्मूला था मैग्नेटिक फील्ड का, तो ये फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का तो आप ले लो। अब आप जैसे इसमें देख रहे हो, इसमें क्या है, एवरी सर्किट, ये जो सर्कल बनी हुई है इसके हर एक पॉइंट पे बी और डीएल है ना, दोनों अगर टेंजेंट आप ड्रॉ करते हो तो आप ये कह सकते हो कि बी और डीएल किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आप ये देख सकते हो बी जो होगा हमेशा डीएल के पैरेलल होगा, इसका मतलब दोनों के बीच की एंगल जो बनेगी वो जीरो डिग्री की बनेगी। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है बी डॉट डी एल एम्पियर सर्कुलर लॉ से, मैं इसी एल एच एस साइड से मूव करूंगा इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, तो बी डॉट डी एल कहने का मतलब क्या हो गया, बी डी एल कॉस थीटा, मतलब कॉस जीरो डिग्री हो गया, और कह सकते हो सिर्फ आपके पास बच रहा है बी डी एल, ये आपके पास बच गया, और जैसा कि डिफिनेशन में मैंने बताया था, मैंने डिफिनेशन में बताया था वहां पे कि हेंस द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द सर्कुलर पाथ, ठीक है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
along the circular path. ये क्या होगा ये देखने की जरूरत है यहां पे. तो देखिए लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड की लाइन इंटीग्रल यहां पे आप देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे छोटा सा बन रहा है. उसी तरह से इस जगह पे भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इस डायरेक्शन में. इस तरफ भी बनेगा मैग्नेटिक फील्ड छोटा सा. इस सब का इंटीग्रल करोगे मतलब इंटीग्रेशन करने की जरूरत है अब आपको. तो यहां पे अगर मैं इंटीग्रेशन करके आपको दिखाऊं तो देखो आप क्या मिलेगा. आपको इंटीग्रेशन इसका करने वाले हो आप बी डॉट डीएल का. तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस लूप जो कि सर्कुलर लूप आपको दिख रहा है जिसकी रेडियस एल है आर रेडियस है. तो बी डॉट डी एल दिस वन इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे. तो आपने इसका बी डॉट डी एल का एंगल देखा कॉस जीरो डिग्री का था. तो आपने इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल लिखो अगले स्टेप में बी और डी एल. डॉट का तो हटा दो आप क्योंकि डॉट में आपने कॉस थीटा ले लिया है. और बी जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है हर पॉइंट पे कॉन्स्टेंट है तो बी को आप बाहर कर लो. ठीक है इंटीग्रेशन ऑफ किसका रह जाएगा डीएल. और डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा. तो डीएल का इंटीग्रेशन आपको यहां पे अगर देखा जाए तो पूरा वायर जो है यहां से यहां तक जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है ये मैग्नेटिक फील्ड व्हाइट वाली स्ट्रिप है. तो ये इंटीग्रेशन ऑफ डीएल दिस वन इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 2πr. तो और बी के लिए फॉर्मूला आपने क्या लिखा था स्ट्रेट वायर के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला. तो ये फॉर्मूला है तो बी की जगह पे आप लिख लो म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2πr. और डीएल की जगह पे आपने यहां पे देखो आपने निकाला है इंटू 2πr. तो आप यहां पे 2πr इजिली कैंसिल कर सकते हो. तो आपके पास कितना बच गया आरएचएस साइड में सिर्फ म्यू नॉट आई बच रहा है जबकि एलएचएस साइड में आपने यहां पे लिया है बी डॉट डीएल. ठीक है ये हो गया आपका बी डॉट डीएल. तो ये फॉर्मूला ये इस तरह से यहाँ पे प्रूव होता हुआ दिख रहा है. देखो यहाँ पे इनफैक्ट ये सोलिनॉइड है आप जो देख रहे हो ये डायग्राम इसको आप कह सकते हो कि ये एक सोलिनॉइड है. और जैसा मैंने बताया कि सोलिनॉइड को आप इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोलते हो तो मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट को आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब ये पार्ट जो है जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है जिसमें पिन्स अट्रैक्ट हो रहे हैं आपने जो बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स को कनेक्ट कर रखा है नेल से कॉपर वायर को वॉन्ड किया हुआ है जिसके कारण इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रिएट हो रहा है. और यहाँ पे आप इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को क्या कर रहे हो आप पिन्स इसके थ्रू अटैक करा रहे हो. दूसरी चीज है यहाँ पे आप देख सकते हो सोलिनॉइड को अगर नॉर्मल फॉर्म में देखा जाए तो ये आपका सोलिनॉइड बन रहा है जिसमें एक तरफ से करंट जा रहा है. आप मान लो इधर से आप करंट दे रहे हो इधर से करंट जा रहा है ऐसा होता हुआ घूमता हुआ और नॉर्थ और साउथ पोल इस कारण से यहाँ पे बनते हैं. इसकी लेंथ जो है एल लेंथ है यहाँ पे. अब तो ये देख के सोलिनॉइड की तरह लग रहा होगा यहाँ से करंट इसमें जा रहा है और इधर से ये वायर घूमती हुई आ रही है फिर दूसरा वाउंड फिर तीसरा वाउंड फिर चौथा वाउंड इस तरह से नंबर ऑफ टर्न्स जो है इस तरह से ये जा रहा है. और जो नंबर ऑफ टर्न्स है ये मान लो लेंथ जो है ये सोलिनॉइड की जो लेंथ है उसको मैं यहाँ पे एल लेंथ मान रहा हूँ स्मॉल एल से मैं दिखा रहा हूँ. तो अगर यहाँ पे अगर बात की जाए कि ये पहला टर्न ले रहा है तो इसमें अंदर की तरफ जा रहा है करंट इसमें अंदर की तरफ जा रहा है. तो अंदर की तरफ जाने वाले करंट को आप क्रॉस से दिखाते हो. ठीक है मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि क्रॉस से दिखाने में मुझे लगे कि हाँ यहाँ पे दिखा रहा हूँ. यहाँ पे देखो आप इस तरह से ब्लू कलर से मैं क्रॉस से दिखा रहा हूँ. इसमें भी ऊपर वाले में अंदर की तरफ जा रहा है क्रॉस से दिखा रहा हूँ ये ऐसा. ठीक है और नीचे में जो यहां से बाहर आ रहा है यहां से बाहर आ रहा है तो इसको मैं डॉट से दिखा देता हूं. तो चलिए यहां पे मैं दूसरा कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं डॉट से दिखाने के लिए थोड़ा इफेक्टिव दिखना चाहिए. ये ऐसा मैं डॉट से दिखा रहा हूं. ठीक है तो दो पार्ट में ये डिवाइड हो गया क्रॉस और डॉट में. अब यहां पे ध्यान क्या रखना है आपको कि भाई जब इसमें अंदर जा रहा था तो आप अपना थंब का डायरेक्शन अंदर की तरफ करो इनटू द प्लेन प्लेन इनटू द प्लेन की तरफ अगर आप इसमें करते हो थंब की डायरेक्शन तो आपको क्या देखने को मिलता है आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है ना मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी ना इसके सराउंडिंग्स में अगर अंदर की तरफ आप थंब की डायरेक्शन करोगे तो आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी इस तरफ राइट हैंड लेके चलोगे तो इस तरफ होगी थंब की डायरेक्शन ऐसी.
मैं रेस्ट फोर फिंगर की जो डायरेक्शन होगी इस तरफ होगी, जबकि थंब का अंदर की तरफ है क्रॉस की तरफ, तो इस तरह से होगा। उसी तरह से ऊपर वाले में इसमें भी सेम वही डायरेक्शन आपको देखने को मिलेगा, मतलब क्लॉकवाइज में। एक और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ले लो ऐसा, तो ये भी क्लॉकवाइज में जाएगा ऐसा। फिर इसमें देख लो, इसमें भी वैसा ही होगा। ऐसी होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो सारे डायरेक्शन को आप यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो क्लॉकवाइज में आपको दिख रही है सब जगह पे आप एरो मार्क देके क्लॉकवाइज कर दो, क्योंकि डायरेक्शन तो मैग्नेटिक फील्ड की इसमें ऐसे ही रहने वाली है, क्लॉकवाइज कर दिया। ठीक है, अब दूसरी तरफ का देखना पड़ेगा आपको। इसमें इसमें डॉट है, इसमें अंदर की तरफ जा रहा था, इसमें बाहर की तरफ आ रहा है, तो बाहर की तरफ आ रहा है, तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखोगे तो थंब आपका बाहर की तरफ रहेगा, तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से होगी, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसमें भी आप देखोगे तो इसमें आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखेगी, इसमें भी आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस तरह से जितनी भी नीचे की तरफ है सब एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर में जो थी सब क्लॉकवाइज और नीचे वाले में सारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप थंब रख के चाहो तो देख लो कि अंदर यहाँ पे बाहर की तरफ थंब रखनी पड़ेगी आपको, बाहर की तरफ थंब करोगे क्योंकि डॉट दिया हुआ है, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड इससे पता लग जाएगा कि क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी कुछ इस तरह से बनेगी, देखो ऐसी ऐसी इस तरह से, और ये अंदर की तरफ भी ऐसी, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जो है ओवरऑल एक क्लोज्ड पाथ में इस तरह की बन जाएगी। उसी तरह से ऊपर वाले के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड ओवरऑल इस तरह से जाएगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती, तो यहां पे भी इंटरसेक्ट या क्रॉस करती हुई नहीं दिखेगी, और इस तरह से ऐसी ये बनती हुई यहां पे आपको दिखेगी, ये बन गया आप। ठीक है, अब जो यहां पे आप देखोगे इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो बीचों बीच इस तरह से ऐसी जाएगी, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी अगर आप देखोगे तो ये इस तरह से बिना इंटरसेक्ट किए हुए, तीसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इस तरह से बिना इंटरसेक्ट किए हुए, और ये अल्टीमेटली ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है आपकी ये इधर से आती हुई ऐसे इंटर करती हुई ऐसी दिखेगी, और इधर से बाहर निकलती हुई, तो जिधर से बाहर निकल रही है वहां पे आपका बन रहा है नॉर्थ पोल, और जिधर से अंदर जा रही है वो बना रहा है आपका साउथ पोल। तो ये बन गया आपका प्रॉपर सोलिनॉइड, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसको आप कहते हो, इस तरह से ये फॉर्मेशन में आपका बनेगा। अब इसी में एक इमेजिनरी लूप आपको लेना पड़ेगा अगर हमें यहाँ पे चाहिए सोलिनॉइड का डेरिवेशन करना चाह रहे हो, प्रूव करना चाह रहे हो। ये तो सोलिनॉइड हमने देखा, सोलिनॉइड देखने में कैसा लगेगा, तो चलिए देखते हैं। आप मैंने बताया आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होगा वो इस तरह से जाएगा। देखो इधर से इंटर कर रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इस तरफ जाएगी, तो जो मैंने डायरेक्शन बताया था उस डायरेक्शन को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जो आया था वो उधर कैसे जा सकता है, आप सोचो ये इस तरह से घूम रहा है ना, तो डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन इस तरफ जाएगी, ऐसी जाएगी, है ना, तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पे आपका साउथ बनेगा जबकि इस तरफ आपका नॉर्थ बनेगा, ये चीज ध्यान रखेंगे। इस दोनों को देख के आपको पता लग जाएगा जो चीज थी वही सेम चीज यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है। मैग्नेटिक फील्ड को भी मैंने लेफ्ट से राइट दिखाया, और यहाँ पे जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक इमेजिनरी लूप, एम्पीरियन लूप जिसको आप बोलते हो, यहाँ पे मुझे एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ करना पड़ेगा। इस तरह से मैंने एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर दिया, ठीक है, इसको एम्पीरियन लूप मैं नाम दे रहा हूँ, और इसमें मैं लिख रहा हूँ कि ये जो लूप है इसका ये पार्ट ए है, ये कॉर्नर बी है, ये सी है, और ये डी है। तो इस तरह से ए बी सी डी मैंने इसके कॉर्नर्स को ले लिया है, जबकि इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ अगर है देखी जाए तो इसकी लेंथ जो है ये एल है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ से बड़े आराम से सारा काम यहाँ पे करोगे, मैं फिगर सामने रखूंगा, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो क्लोज्ड पाथ है ए बी सी डी, इसके कारण
यहाँ पे जो एम्पीरियर, इस पे आप एम्पीयर सर्कुलर रूल जो है उसको आप अप्लाई करो। तो अगर आप इसमें अप्लाई करोगे तो देखो क्या मिलता है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ इस लूप का इंटीग्रेशन करोगे तो लूप बना दिया बी डॉट डी एल, ठीक है, बी डॉट डी एल आपने ले लिया। दिस वन इज इक्वल टू, आपको अच्छे से पता है दिस वन इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करेंट। तो आपने नेक्स्ट में आप इस लूप को बी डॉट डी एल लो, और पूरे लूप के लिए ले रहे हो, मतलब पूरे लूप के लिए मतलब ए से बी, बी से सी, सी से डी, तो इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा इस तरह से, ए से बी के लिए बी डॉट डी एल का, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी से सी बी डॉट डी एल के लिए, देन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी टू डी बी डॉट डी एल, देन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी टू ए बी डॉट डी एल डी टू ए। तो इसका मतलब आपने चारों पार्ट का यहाँ पे, चारों पार्ट पे एम्पीरियन लॉ लगा दिया। लेकिन देखो अब सारा काम यहाँ पे आपका 1 मिनट में आसान हो जाएगा। वो कैसे, वो इस तरह से कि अगर मैं बी सी और डी ए की बात करूं, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, इसके लिए मैं बात करूं कि मुझे बी सी का चाहिए, तो आपको पता है डॉट प्रोडक्ट है, तो बी डॉट डी एल, तो बी डी एल कॉस, इसमें एंगल कितनी बन रही है, तो एंगल देखो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस तरफ है, और यहाँ पे ये जो लाइन है ये ऊपर 90 डिग्री बना रहा है, मतलब इसके साथ एंगल बन रही है 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो इसका मतलब इसके लिए जो होगा बी डॉट डी एल बी सी के लिए वो 0 हो गया। उसी तरह से दूसरे वाले पार्ट के लिए अगर आप मैग्नेटिक फील्ड देखोगे, दूसरे वाला पार्ट कौन सा है, तो वो भी आपके लिए ये डी से ए के लिए अगर करोगे, तो डी से ए के लिए भी ये भी क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड वाले लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो बी डॉट डी एल, फिर से यहाँ पे बी डी एल कॉस 90 बनने जा रहा है, जो कि यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो मतलब इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड 0, इसके कारण जो परपेंडिकुलर वायर है मैग्नेटिक फील्ड के, दोनों के कारण 0, और ये वाला जो सी डी है इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, क्योंकि ये आउटसाइड द सोलिनॉइड है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ सोलिनॉइड के अंदर आपको दिख रही है, तो सोलिनॉइड के अंदर दिख रही है, तो मतलब सिर्फ ए बी के कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। तो अगर आपको ए बी के कारण मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सीधा कि पूरा जो इंटीग्रेशन कर रहे हो बी डॉट डी एल का ए बी सी डी के लिए, जिसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ बच रहा है ए से बी के लिए बच रहा है बी डॉट डी एल, क्योंकि ए और बी जो है ये दोनों एक दूसरे के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो बी डॉट डी एल अगर आप लिख भी लेते हो तो ये हो जाएगा बी डी एल कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, और इंटीग्रेशन करोगे आप तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो बी और इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, डी एल का इंटीग्रेशन जैसे कि मैंने इसकी लेंथ देखो आप यहाँ से सी से डी के लिए जितनी होगी उतनी ही ए से बी के लिए भी होगी, तो बी इंटू एल आ रही है आपके पास, तो बी इंटू एल ये पूरा का पूरा आ गया आपके लिए। लेकिन अब मुझे क्या देखना है कि कितना नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है, जो सोलिनॉइड आप बना रहे हो जैसे कि इसमें कितने टर्न्स हैं, तो आप टर्न्स को यहाँ पे ध्यान में देखोगे। अब आते हैं, मैं बात करता हूँ टर्न्स के बारे में, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे मैं टर्न्स की बात करूं, तो मान लो ये एक टर्न, ये दूसरा टर्न, ये तीसरा टर्न, ये चौथा टर्न और ये पांचवा टर्न, इस तरह से 5 टर्न है। एक का जो लेंथ है वो एल है, तो ऐसे ऐसे कितने हैं, 5 हैं, तो पूरा का लेंथ कितना होगा, 5L का होगा। यहां से यहां तक का लेंथ अगर देखा जाए तो 5L का हो जाएगा। एक का लेंथ L है, मतलब ये एक वायर जो एक राउंड बना रहा है, ये लूप जो बना रहा है, इसकी लेंथ जो है वो L है, ठीक है। तो L क्या है, लेंथ ऑफ द साइड, L जो आप ले रहे हो यहाँ पे, और मैं सब चीज के बारे में बात करूंगा इस, अभी पहले मैं स्मॉल n के बारे में बात करता हूँ। स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये स्मॉल एल है। और अगर मैं जैसे 5 टर्न थे यहां पे, तो 5 इंटू एल लिखा है यहां पे हमने, तो यहां पे उसी तरह से अगर आप एन इंटू एल लिख लेते हो, तो
तो इसका मतलब ये टोटल आ जाएगा, टोटल टर्न्स आ जाएगा, है ना, एल लेंथ के सोलिनोइड की टोटल टर्न होगी। तो यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स इन एल लेंथ ऑफ सोलिनोइड L लेंथ, क्योंकि यहां से यहां तक की लेंथ अगर आपने L ले रखी है तो L लेंथ का हो जाएगा। तो ये देखो, ये तो एक का मैंने L माना था, तो NL के लिए पूरा N इंटू L करना पड़ेगा। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ L लेंथ ऑफ सोलिनॉइड, तो लेकिन करंट इसमें जो जा रहा है, टोटल करंट इन द लूप इन द लूप एबीसीडी, वो आप देखो वो कितना मिलेगा। दिस वन इज इक्वल टू, आप कह सकते हो एन इंटू एल तो था ही, उसमें करंट आप आई दे रहे हो तो एन एल इंटू आई हो गया, ठीक है। तो अब जैसे फॉर्मूले पे अगर आप करते हो बात, जैसे हमने क्या देखा, बी इंटू एल जो हमने निकाला था, दिस वन इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट, टोटल करंट मतलब एन एल और आई के इक्वल था, ठीक है ना। इसमें एल और एल कैंसिल हो रहा है आपका, तो बी इक्वल टू आपके पास आ रहा है म्यू नॉट इंटू एन आई, और यही फॉर्मूला हो जाता है आपके लिए सोलिनॉइड का फॉर्मूला, सोलिनॉइड के मैग्नीट्यूड का, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। इसके बाद ये कैलकुलेशन पार्ट